पहले हम लोग झोपड़ी में रहते थे और पानी उनी चू रहा था। उसके बाद बोले दे कि है पंचायत सेवक को बोले कि ये हम लोग के घर मिलेगा। तो हाँ कैसे नहीं मिलेगा, तो बोला कि ये दे कि है आएगा तो हम बताएंगे। पंचायत सेवक आके बोला कि घर मिला है, हम लोग कागज वगैरह जमा किए और पानी चू रहा था पहले, उसका बाद हम लोग के मिला घर तो बनाए और हम लोग अभी रह रहे हैं। देखिए पहले हम लोग तो टूटा फूटा घर में रहते थे, हम लोग गरीब अभिन थे। पंचायत सेवक हम लोग के अच्छा है कि बस्ती में घूमते थे, तो पंचायत सेवक देखे हैं कि ये लोग तो गरीब काफ़ी है, ये लोग के मतलब प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए। तो हम लोग के मतलब बोले हैं कि आप लोग का आज्ञा है घर लेना है कि नहीं। हम लोग बोले हम लोग तो सर काफ़ी गरीब हैं तो कैसे नहीं लेंगे घर। तो हम लोग को बोला ये पंचायत सेवक ठीक है आ गया है तो जमा करना पड़ेगा राशन कार्ड और अकाउंट नंबर। तो हम लोग सोचे ठीक है जमा कर देंगे बोल के। तो पंचायत हम लोग गए पंचायत भवन में जमा किए, तो जमा किए हैं उसके बाद हम लोग के आया पैसा, ठीक ना आया। उसके बाद ने बोला कि जाके चेक करवाई अपना पासबुक, पैसा आ गया है बोल के। तो हम लोग गए वहाँ तो पैसा आया, तब फिर बोल रहा है कि अब काम शुरू कीजिए पैसा तो आ गया है। तो हम लोग सोचे ठीक है करेंगे बोल के। तब हम लोग अपना ईटा गिरवाए, बाला उला गिरवाएँ, मिस्त्री खोजें, लेबर काम तो हम लोग खुद करते हैं तो हम लोग फिर काम स्टार्ट किए, घर बनाए। रहने में हम लोग बरसात में बहुत तकलीफ होता था, लेकिन अभी किसी भी तरह हम लोग के उधर से सरकार की तरफ हौसला मिला, हम लोग बनाए लिए और अभी अच्छा से रह रहे हैं। मेरा नाम प्रभुनाथ महतो, पंचायत सचिव हैंसागढ़ा पंचायत के पंचायत सचिव हैं। जिसे आवास दिए तो इसमें 425 स्क्वायर फीट में जिसे घर प्राकलन के अनुसार बनाना है, तो अपने हिसाब से जगह के अनुसार से भी इन लोग बनाए हैं। और 425 स्क्वायर फीट में दो कमरा, एक बरांडा और एक किचन भी है, तो सब उसी मॉडल में हम लोग बनवाए हैं। जैसे गैस कनेक्शन इन लोग का दिलवाए, उसके बाद बिजली कनेक्शन दिलाए, शौचालय तो पहले पंचायत से मिला था और घर तो मिला ही है। इसमें मनरेगा से जो मजदूरी था वो भी हम लोग देने का काम किया, 90 से 95 मिंडेज। और गांव में जैसे घूमते हैं तो हर जगह बोले हैं और ग्राम सभा में बोले हैं कि जिसको किसी तरह का दिक्कत हो, राशन कार्ड का दिक्कत हो, मकान का दिक्कत हो या वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन का दिक्कत हो, सीधे पंचायत में आकर संपर्क करें, और या नहीं तो हमसे डायरेक्ट, हम गाँव में घूमते हैं उस समय हमको पेपर देंगे। तो जो BPL परिवार है उसको हम लोग वृद्धा पेंशन भी दिलाने का भी काम कर रहे हैं। 3 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे रामगढ़ जिला में करीबन 7,000-8,000 के करीब हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, जिसमें 3,000-4,000 हमारा कंप्लीट भी हो गया है। और कुछ शिकायतें यदि आती है तो सभी ग्रामीणों, महिलाएं और लाभुकों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग पंचायत स्तर में, प्रखंड स्तर में जितने भी आप लोगों को शिकायत रहता है वो सब आप प्रखंड स्तर में भी बता सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट आप यहाँ डायरेक्टर DRDA के पास भी आ सकते हैं, जिला स्तर पर भी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना रामगढ़ जिले का कुल लक्ष्य 4,500 लगभग है और इस पर ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार के द्वारा इसमें एक तिथि तय किया गया गृह प्रवेश का, और पूर्व में भी हम लोग गृह प्रवेश बहुत समय करवाए हैं और इस बार भी रामगढ़ ज़िले में ये लक्ष्य सबको दे दिया गया है कि सितंबर माह के तीसरे सप्ताह तक निश्चित रूप से गृह प्रवेश करना है। तत्संबंधी आदेश चूंकि दिया हुआ है, लेकिन लाभुकों से भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें भी अगर किसी भी तरह का कहीं भी दिक्कत हो तो वो सीधे संपर्क कर सकते हैं रोजगार सेवक से, पंचायत सेवक से या अन्य कर्मी से, वीडियो से। और अगर वहाँ पे भी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है तो कभी भी उप विकास आयुक्त से या डायरेक्टर DRDA से या जिला स्तर पे किसी भी पदाधिकारी से कॉल कर सकते हैं और किसी भी समय आके मिल सकते हैं। उद्देश्य यही है कि सरकार का जो निर्धारित लक्ष्य है उसको ससमय हम लोग पूर्ण करावें।